आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिग बॉस छोटे पर्दे का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, जिसे लेकर फैंस हर अपडेट जानना चाहते हैं। जल्द ही इसका सीजन 16 आने वाला है, लिहाजा शो के कंटेस्टेंट, शो के फीस, हर चीज चर्चा में। सलमान खान इस शो को चौथे सीजन से होस्ट करते आए हैं और इस बार वो अपनी फीस को लेकर चर्चा में है। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस बार वो बिग बॉस को होस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें बॉलीवुड का बड़ा फिल्म मेकर रिप्लेस करने जा रहा है। खबरें आ रही है कि बिग बॉस 16 को सलमान खान नहीं बल्कि रोहित शेट्टी होस्ट करने जा रहे हैं, जो पहले से ही कलर से जुड़े हुए हैं। खतरों के खिलाड़ी को वो काफी सालों से होस्ट कर रहे हैं और इस दौरान वो शो के कंटेस्टेंट के साथ मजाक करते भी दिखते हैं, तो मौका आने पर उनके जमकर क्लास भी लगा देते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार बिग बॉस के मेकर सलमान खान के बजाय रोहित शेट्टी के नाम पर ही विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान ने इस बार बिग बॉस 16 के लिए भारी भरकम फीस की डिमांड की है। उन्होंने शो के पूरे सीजन के लिए 1,000 करोड़ की मांग की। जब से ये खबरें आई है तब से हर कोई हैरान है और कहा जा रहा है किसी वजह से मेकर सब सलमान की जगह किसी और को होस्ट के तौर पर लाने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये बिग बॉस के मेकर्स और सलमान खान ही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसी ही चर्चा हो रही है। बता दें कि सलमान की वजह से भी इस शो को अच्छी खासी टीआरपी मिलती है। ऐसे में अगर सलमान का शो से पत्ता कट जाता है तो मेकर्स को ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में मेकर्स को काफी सोच समझ कर विचार करना होगा कि वो सलमान की डिमांड मानकर उन्हें 16 सीजन का हिस्सा बनाए या नहीं। वैसे आपको बता दें कि इस बार शो में कई जाने माने कंटेस्टेंट के आने की चर्चा है। खबरों की माने तो इस शो के लिए दिव्यांका त्रिपाठी, शिवांगी जोशी और दीपिका सिंह जैसी बड़ी टीवी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया है। वहीं सुनने में आ रहा है कि बिग बॉस 16 में मुनव्वर फारूकी, सिवी नारंग जैसे स्टार्स दिखाई देंगे। ये शो 1 अक्टूबर से टीवी पर दस्तक देने वाला है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि शो का होस्ट कौन बनेगा, सलमान या रोहित शेट्टी। वैसे आप किसे शो के होस्ट में देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिग बॉस 16 से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।